इसीलिए सब टीवी से बेहतर कोई चैनल नहीं है और हम ये शो सब टीवी को लेके के पास लेके गए और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि नीरज और सब टीवी ने ये शो एक्सेप्ट किया बनाने के लिए और अभी इसी तरह हमारी जर्नी तेनालीराम की शुरू हुई। It's been a very important year for us. सबकी भी एक नई जर्नी के कगार में खड़ा है। अपने चैनल का लुक, लोगो, टेक्सचर सब कुछ बदलने का एक प्रयास किया है और इस जर्नी में अगर सबसे क्रिटिकल कोई अगर शो है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ पर अगर सबसे बड़ा शो और सबसे क्रिटिकल शो अगर कोई है जिसने इंटरनली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और मैं सिर्फ सब टीवी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सारे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क की बात कर रहा हूँ मैं और एक्सटर्नली ऑल्सो इफ देयर इज वन शो विच इज क्रिएटेड सो मच ऑफ बज सो मच ऑफ एंटिसिपेशन इट इज दिस शो feel is right, the whole sentiment is right. Everything seems to be going well. I think we've got a great, absolutely superb cast and crew. Sare ke sare asar bahut positive hai. The feel is very good. Everybody seems to be happy. Everybody seems to be excited. My sense is that we are on to something very, very, very big with the show. So, let's all keep our fingers crossed. And humne jo promise kiya hai hamare viewers ko, aane wale kuch mahinon ke से इतना खूबसूरत सा शो जिसमें सिर्फ मस्ती नहीं है उसके साथ साथ कुछ सीख भी है तो सर आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? मेरे बहुत फेवरेट कैरेक्टर्स हैं पर तेनालीराम कृष्णा ने तेनालीराम का बहुत अच्छा बहुत अच्छी तरह से उनका किरदार निभाया है और ताताचारी इनकी जो 36 की 36 का आंकड़ा होगा वो बहुत बहुत ही दिलचस्प बहुत ही विटी बहुत ह्यूमरस और इसके अलावा जो सारे कैरेक्टर्स हैं जो कृष्णदेव राय धनी मनी उनकी बेबी शारदा उनकी अम्मा जो जिनने मौन व्रत रखा है पर वो सब हाँ इशारों से बात करती हैं और जैसे हम सब की माँ हैं जो कहती हैं कि अब उनको दुनियादारी से उनका अब जर्नी ख़त्म हो गई है दुनियादारी से पर वो सब इन्वॉल्व रहती हैं हर चीज़ में तो ऐसी माँ आपको देखने को मिलेगी बहुत प्यारी सी और सारे किरदार मेरे हिसाब से उनने बहुत अच्छा काम भी किया है और अब आप देख के आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप कैसे करें सिर्फ एक या दो कैरेक्टर्स को नहीं टिक पाता शायद वो एक या दो कैरेक्टर्स होते हैं जो लोगों को दिया है इनिशियली पर अगर हमारी की कास्ट जो है वो सारे जो बात यूनिवर्सिटी ने लिए रही अगर वो अपनी जगह पे अगर सबके सब अगर सक्षम नहीं है तो मुझे लगता नहीं कि शो बियॉन्ड पॉइंट चल पाता है तो मुझे लगता है कि सभी क्रिटिकल हैं और इवेंचुअली सभी को अपना अपना एक रोड मैप डिफाइन जो किया है उसमें चल के कॉन्ट्रीब्यूट करना है शो के सक्सेस में था वो रहने वाला तेनाली नामक गांव का था बसेरा एक पेड़ की ठंडी छांव का एक कहानी है एक आरसी पंडित की जो करता नहीं था कभी कोई काम बस चारों पहर आराम आराम और आराम फिर एक दिन उसे एक जोगी ने नींद से जगाया उसे उसके होने का आभास भी दिलाया हुआ आभास कुछ तो है वो भी भगवान की दी हुई एक अनमोल प्रतिभा है उसमें भी बस फिर क्या था यही सोचकर पंडित निकला अपने राजा के महल की ओर मन में था उत्साह और हृदय में नाच रहे थे मोर मन प्रफुल्लित था मन में था विश्वास कि राजा उसकी प्रतिभा को परख कर रख लेंगे अपने पास साथ में उसकी अम्मा भी थी जिसकी
की महिमा की अपरंपार, एक हाथ में लाठी दूसरे में शब्दों की तलवार, रखा था उन्होंने आजीवन मौन व्रत पर थी बड़ी वाचाल। हाँ, इस तरह इशारा करके सबका कर डालती थी बुरा हाल। उसके इशारों की भाषा को सृष्टि में समझ सकता था केवल एक इंसान, परंतु अम्मा की तरह ही उसे भी झेलना नहीं था इस पंडित के लिए आसान। थी अर्धांगिनी वो, नाम था उसका शारदा, जिसने जीवन भर साथ देने का किया था पंडित से वादा। अपने पति के लिए किसी भी समय दे सकती थी वो प्राण, लेकिन पंडित की हमेशा रहती थी उसके हाथों में एक कमान। आदर्श नारी का स्वरूप, साक्षात देवी का प्रतिरूप, हर बात पर उठा लो रहता था जिसका तकिया कलाम। अरे पर उठा क्या लो, सबका यही रहता था सवाल। महल पहुंचकर पंडित ने जाना कि राजा से मिलना इतना आसान नहीं है। अरे ये कोई खाने की बात नहीं है, उसके और राजा के बीच खड़ा था एक धूर्त इंसान, जिसमें ना थी कोई इंसानियत ना ही रखती भर ईमान। था नाम बड़ा था काम बड़ा, राजगुरु था राजदरबार का, था राजकुल राजगुरु राजकुल का, परंतु अधर्मों और कुकर्मों से भरे पड़े थे इनके कार्य। अरे ये तो ऐसे ही करते थे सारे प्रपंच, कभी कभी बन जाते थे देवताओं को भी सरपंच। अधर्मों को कर्मों से भरे रहते थे इनके कार्य, नाम था उसका राजगुरु आचार्य तथाचार्य। ऐसे ही उनके जैसे ही थे उनके दो शिष्य कपटी, लालच के कारण आचार्य के साथ उनकी डोर थी हमेशा अटकी। हमेशा पीठ पीछे अपने गुरु को रहते कोसते, लेकिन उसकी ही शरण में रहते मन मसोसते। एक का नाम था धनी और दूसरे का मनी, सुनाएंगे इनकी और भी कहानियां, कुछ कही कुछ अनसुनी। अब कुल गुरु को नहीं भाया पंडित का चेहरा, और बना दिया उसने उसे अपने षड्यंत्रों का मोहरा। उड़ गए उत्साह के सभी मोर, और बनाकर सामने पेश कर दिया राजा के एक नामी चोर। मिलना था जिस राजा से था उसका व्यक्तित्व बड़ा, चारों शत्रुओं से घिरे होने के बाद भी राज्य था उसका सीना ताने खड़ा। परेशान हो जाए उठ जाए तो करते सबको परेशान, मचा दे कोहराम, पर प्रेम करे तो ऐसे जैसे प्रेम करे स्वयं भगवान। परंतु पंडित राजा को नहीं दिखा पाया अपनी श्रद्धा के दर्पण, बता भी नहीं पाया कि वो तो आया है करने स्वयं को उनके चरणों में अर्पण। परंतु कहां रामा इस तरह हार मानने वाला था, यूं पराजित होकर घर लौट जाने वाला था। बस चलाया उसने बुद्धि का चक्र, ऐसा हो गया न्याय, मिला जैसे को तैसा। राजा की पालकी नजर को पंडित यूं भाग गया, और आखिरकार पंडित रामकृष्णा राज दरबार में आ गया। अब कहता है पंडित दंगे की चोट पर, सुन ले दुनिया सारी, कर ले जो भी करना है, नहीं चलेगी इस राज्य में चापलूसी और भ्रष्टा की मीठी आरी। अब ये पंडित अपनी ये कविता समाप्त करता है इस पंक्ति के साथ, रहे सदैव आप सबका मेरे सर पर हाथ, रहे ये पंडित रामकृष्णा अपने देखने वालों के हृदय के आसपास। मिल सकते हैं, सारे कैरेक्टर्स से बातें कर सकते हैं।